तो सब सम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख ली, सब सम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में इस गणना में लगाया जाएगा उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी और जो कुछ भी किया जाएगा आज जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। पिछले 9 महीने में जो काम नहीं हो पाया आज महज 1.5 घंटे के बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष एवं तमाम दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं और उनके द्वारा फैसला ले लिया गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार सभी दलों के नेता के साथ बैठे हुए हैं और संबोधित करते हुए पूरी बात को रख रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में हर हाल में जातिगत जनगणना होगा, राज्य सरकार के द्वारा ये जातिगत जनगणना कराया जाएगा। जातीय आधारित जनगणना इसे नाम दिया गया है। आपको बता दें, इसको लेकर जल्द ही बिहार कैबिनेट की बैठक होगी और इस पर बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार अपने कोष से लेने जा रही है, यानी कि जो भी खर्चे आएंगे राज्य सरकार इसे उठाने को तैयार है। सीएम नीतीश कुमार संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। अभी सर्वदलीय बैठक हुई है, जाति आधारित घटना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सब सम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख ली, उसका सब सम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में इस गणना में लगाया जाएगा उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी और जो कुछ भी किया जाएगा आज जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। जो किस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी कर दिया जाएगा और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी तो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरह से जो कुछ भी लोग आप सब लोग हैं सब लोगों के बीच में यह विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि एक एक चीज को रुक जाए और जो भी हमारे आप जानते हैं विधानसभा में जो 9 दल और सब लोगों के सर्वसम्मति से ये बात हो गई तो जो कुछ भी ये काम शुरू होगा और उसके बारे में सरकारी तौर पर भी दलों को भी इसकी जानकारी दी जाए ताकि सब लोगों को ये मालूम रहे ये एक काम किया जा रहा है और आप लोगों के बीच में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि आप लोग एक एक बात को जानिएगा ताकि इस काम को बहुत तेजी से किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने आज बातचीत कर ली है तो कैबिनेट के माध्यम से यह भी हम लोग तय कर देंगे कि एक समय सीमा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक समय सीमा के अंदर ये पूरा का पूरा काम शुरू कर देंगे वो सब बात भी प्रकाशित कर दिया जाए। वहाँ यह भी निर्णय हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई भी जो बात हो गई है सर्वसम्मति से लेकिन कोई भी पूछना चाहते हैं मेरे सभी नेताओं से आप पूछ सकते हैं। तो सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी और बीजेपी के द्वारा भी कहा जा रहा था कि पहले कि जातिगत जनगणना का विरोध है लेकिन आज सभी एक साथ बैठे नजर आए और सबकी सहमति से निर्णय ले लिया गया है कि बिहार में अब जल्द राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है और इसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।